तुम ना मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आपका मसला है। गुरूर किस बात का तुम्हें? कैसे ना हो गुरूर, मैं इस घर को वारिस दे चुकी हूँ। तुम इस घर की जरूरत को पूरा कर चुकी हो, और जरूरत पूरी हो जाने के बाद चीजों के साथ क्या किया जाता है जानती हो? उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जरूरत पूरी करने के लिए आप ही लाई थी मुझे इस घर में, कमाल नहीं? इसीलिए खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दे। आपका ख्वाब कभी नहीं पूरा होने वाला। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी, ये बात याद रखना। तुम देखते हैं आपकी साजिशें काम आती हैं या मेरा यकीन। आओ। जी आपने बुलाया था? उस्मान से बात हुई तुम्हारी? हाँ मैंने की है उससे बात। तो वो इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है काम करने में? वो शफक उसकी कॉल नहीं रिसीव करी, उसने यही बताया मुझे। सवेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा काम ही नहीं कर रही हो? नहीं 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 मैम। पुरानी दोस्त रह चुकी हो तुम शफक की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वफादारी मुझसे हटकर शफक के साथ जुड़ी है? नहीं ऐसा नहीं है मैम। देखो सवेरा, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। तो जाओ, जाकर उस्मान को कॉल करो, क्योंकि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। उससे शफक का वजूद मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो यहाँ बच्चे के लिए आई थी और ये काम हो चुका है, अब उसको यहाँ से जाना ही होगा। जाकर उस्मान को कॉल करो। जी जी मैं कुछ करती हूँ, मैं बात करती हूँ उस्मान से।